सारे बहन भाइया ने राजेंद्र भट्ट की ओर तय राम राम। साथियों, आज जो मैं तामने कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी का शीर्षक से जोंक। वो पहली बार सरपंच बनया था, चौधर में कुछ गणाई इतरा गया, दो चार चमचे भी आगे पाछे हंडे थे। चमचे उस सरपंच ने चढ़ा चढ़ा के रोज गणे की शराब पी जाते। दो किले जमीन बेच के कार ले ली थी और काम दाम करना छोड़ दिया। चौधराट में नूनान घूमन लग गया, राजनीति में टांग फंसा ली। खर्चा इतना बढ़ गया अग दो साल भीतर 15 किले बेच खाए। सरपंची में थोड़ा बहुत ऊपर का आता तो वो भी नुए जाता। अगले चुनाव हुए तो सरपंची यार बैठा, इब ना तो सरपंची रही और ना इतनी जमीन जिस तक घर का गुजारा हो जा। कुछ दिन में उसकी हालत खस्ता होगी और जो चापलूस थे वो भी इसका साथ छोड़ के नए सरपंच दूरे जाने लग गए। दुखी होके पूर्व सरपंच ने अपने एक साथी तय पूछा, यार मेरी सरपंची जाते ही मेरे जो खास थे और जिनते ही मैं खूब खुआया करदा वो भी साथ छोड़ गए। दोस्त ने समझाया, यार तू तो बोला ही रह गया, तने अपने पाँ पे खुद कुलाड़ी मारी से। एक तो खर्चा के मामले में तने सोड़ते बार पाँ पसार दिए जिससे तेरी खस्ता हालत होगी। दूसरा, तू दोस्त दुश्मन में भेद नहीं कर पाया। अरे असल में ये चापलूस लोग गंदे जोड़ की वो जोक्स हैं जो खून चूसन खातर प्राणियों के लिपट जैसे। तेरे चापलूसा ने जितना तेरा खून चूसना था चूस लिया, ई तो वे चापलूस को नया शिकार पकड़ेंगे। और उसकी इस बात ते पूर्व सरपंच के समझ में बात आ गई थी, लेकिन देर बहुत हो गई थी। दोस्तों, जो कहानी में तुमने सुना रहा सुन, हर कहानी के पाछे एक बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश ने समझना से और अपने यार दोस्ता के लिए साझा करना है और मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना है। इसी के लिए अपने साथी की ओर है।